यशा और मात का खेल, शतरंज का खेल हो रहा है कि राजद चाहता है कि जनता दल यू को तोड़कर मिला लें, चूँकि स्पीकर उनका है, और जदयू को लग रहा है कि अगर तेजस्वी जेल चले जाएं तो फिर हम उनकी पार्टी को तोड़ पाएंगे, और नीतीश जी को लगता है डूबता हुआ जहाज है, इस पर हम सवार हो जाएं तो शायद मुझे प्रधानमंत्री का मैं उम्मीदवार बन सकता हूं। नीतीश जी को कोई बचा नहीं सकता। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। बिहार में नीतीश कुमार ने विश्वास मत हासिल कर लिया है। अवध बिहारी चौधरी स्पीकर बन गए, एक दूसरे पे खूब वार पलटवार हुआ, लेकिन जो राजनीति में गर्माहट आई है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं तेजस्वी यादव, उन्होंने हमला बोला केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय पर कि ये मुख्यमंत्री बनने के लिए महाराष्ट्र वाला प्रयोग करने में लगे हुए थे, समझ जाइए कि ये बिहार है, ठंडे कर दिए जाएंगे। जवाब दिया नित्यानंद राय कि ऐसे ठंडा कोई कैसे कर सकता है, मुंह नहीं लगाना चाहते। वो राजनीति अभी अलग चल रही है, और दूसरी तरफ सुशील मोदी जो बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने अपने पुराने मित्र नीतीश कुमार पे तगड़ा वार किया है। क्या बोले हैं जरा सुन लीजिए। डूबता जहाज है, अब वो डूबते जहाज में और भी जितने लोग बैठे हैं, रोज कोई ना कोई व्यक्ति छोड़कर और चला जाएगा, और उसी कांग्रेस के साथ नीतीश जी ने बिहार में समझौता कर लिया, गठबंधन कर लिया, और नीतीश जी को लगता है डूबता हुआ जहाज है, इस पर हम सवार हो जाएं तो शायद मुझे प्रधानमंत्री का मैं उम्मीदवार बन सकता हूं। तो इस समय तो जो कांग्रेस के साथ जाएगा, कल कांग्रेस की नहीं जो जाएगा उसकी भी नैया डूबना तय है, इसलिए नीतीश जी को कोई बचा नहीं सकता। दूसरी बात ये कि आज विधानसभा में श्री अवध बिहारी चौधरी का जो स्पीकर के पद पर निर्वाचन हुआ है, अभी जनता दलियों की उल्टी गिनती शुरू हो गई, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल को केवल 5-6 विधायक चाहिए, स्पीकर उनका है, माजी जी के 4 लोग कभी भी पाला बदल सकते हैं, 2 बाई इलेक्शन है, तो केवल जनता दलियों की 2-3 विधायकों को भी राजद तोड़ लेगा तो उनकी मेमोरी कोई ख़त्म नहीं कर सकता, क्योंकि स्पीकर जो है वो राजद का है। तो इसलिए नीतीश जी अपनी पार्टी को बचाइए, आप प्रधानमंत्री तो नहीं बन पाएंगे, आपकी पार्टी भी ख़त्म हो जाएगी, और इसलिए अवध बिहारी चौधरी को उन्होंने जो बनाया है तो उनकी पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो गई, और नीतीश जी को लगता है कि जल्दी से जल्दी जो IRCTC घोटाले के अंदर जो ट्रायल शुरू होने वाला, जल्दी से जल्दी शुरू हो। उनके लोग कह रहे हैं कि इतनी देर क्यों हो रही है, उनको लग रहा है कि वो जेल चले जाएँ तो मैं राष्ट्रीय जनता दल को तोड़ दूँगा। ये सा और मात का खेल, शतरंज का खेल हो रहा है कि राजद चाहता है कि जनता दल यू को तोड़कर मिला लें, चूँकि स्पीकर उनका है, और जदयू को लग रहा है कि अगर तेजस्वी जेल चले जाएं तो फिर हम उनकी पार्टी को तोड़ पाएंगे। तो मुझे खुशी है कि अवध बिहारी चौधरी को उन्होंने मजबूरी में ही क्यों ना हो, उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष के रूप में स्वीकार कर लिया, क्योंकि लालू जी बुद्धिमान आदमी, उनको मालूम है ये व्यक्ति कभी भी धोखा दे सकता है, इसके पहले भी उनको धोखा दे चुके, 2-2 बार धोखा दे चुके हैं। लालू जी बहुत सतर्क हैं, तो कौन किसको तोड़ता, लेकिन मुझे लग रहा है कि राजद के लिए जनता दलियों को तोड़ना बहुत आसान। जैसा कि आपने सुना, वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार धोखेबाज हैं, आज तक उनका यही रिकॉर्ड रहा है, लेकिन वो समझ नहीं रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव अनुभवी नेता हैं, वो नीतीश कुमार को बर्बाद कर देंगे, दोनों एक दूसरे को पार्टी तोड़ने पे लगे हुए हैं। चूंकि सदस्यों की संख्या सबसे ज़्यादा 79 RJD के पास है, उसे कुछ विधायकों की ज़रूरत है, वो चाहेगी कि JDU को तोड़ करके बना ले अपनी सरकार, और नीतीश कुमार चाहेंगे कि हम कर दें RJD का काम, और इसी में दोनों जो है एक दूसरे से लड़ जाएंगे, ऐसा सुशील कुमार मोदी का कहना है। कौन कितना राजनीति में सफल होता है ये तो बाद की बात है, लेकिन फिलहाल वहाँ की राजनीति जो है वो कुछ साल पहले चलेंगे तो वहाँ पे जाकर के टिकती हुई सी नज़र आ रही है। कहते ये हैं कि अरुण जेटली के पास लालू यादव और उनके साथ एक और नेता गए थे निमंत्रण कार्ड देने के लिए, इसी दौरान उन्होंने कुछ ऐसा कमेंट किया था कि अब चारा घोटाले से जोड़ करके कि यदि मदद मिल जाए तो हम नीतीश को बर्बाद कर देंगे। चूंकि अरुण जेटली से नीतीश कुमार के अच्छे संबंध थे, इसलिए उनके जाने के बाद अरुण जेटली ने नीतीश कुमार को फ़ोन किया था और ये बात बताई थी। नीतीश भागे भागे आए थे, मीटिंग हुई थी, और उसके बाद 2015 में महागठबंधन से जीतने के बाद 2017 में पाला बदल करके NDA की तरफ चले गए। तब भी वो
पलटू राम ही कहलाए, अब भी पलटू राम ही कहला रहे हैं। अब वैसा ही कुछ सीन फिर से सुशील मोदी बताने लगे हैं, कह रहे हैं कि दोनों की निगाहें जो है एक दूसरे विधायकों पे, लेकिन चूंकि आरजेडी की विधायकों की संख्या ज़्यादा है, नीतीश कुमार कहाँ है 45, आरजेडी कहाँ 79 पे है, तो देखते हैं कि कौन किस पे कितना पड़ता है भारी। और नीतीश कुमार का एक लालच ये भी है कि विपक्ष के पीएम कैंडिडेट के रूप में हम उभर करके आएंगे, राजनीति उनकी ख़त्म हो रही है। सुशील मोदी कह रहे हैं कि जेडीयू का देखिए अभी आगे आगे क्या हाल होने वाला है। वैसे भी आरोप लग रहा है, जो आरसीपी सिंह है वो कहते हैं कि जेडीयू आरजेडी में मर्ज हो जाएगी। तो जो कुछ भी वो इशारा कर रहे हैं कहीं ना कहीं इसी तरफ कर रहे हैं, चाहे आरसीपी सिंह हो और चाहे सुशील मोदी हो। हकीकत तो तब पता चलेगा जब कुछ होगा। वैसे कहते हैं कि राजनीति संभावनाओं की खेल है, यहाँ कुछ भी असंभव नहीं है। तो आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर।